क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्री के बीचों बीच स्थित हाजी अली दरगाह आखिर इतना पानी होने पर भी डूबता क्यों नहीं? आइए जानते हैं। एक बार जब हाजी अली उज्बेकिस्तान में नमाज पढ़ रहे थे, तभी एक महिला वहां से रोती हुई गुजरी। हाजी अली के पूछने पर महिला ने बताया कि वह तेल लेने निकली थी, लेकिन तेल से भरा बर्तन गिर गया और तेल जमीन पर फैल गया। यह बात सुनने के बाद हाजी अली महिला को उस जगह पर ले गए जहाँ तेल गिर गया था। वहाँ जाकर अंगूठा जमीन में गाड़ दिया, जिसके बाद जमीन से तेल का फवारा निकलने लगा। ये चमत्कार देखते ही महिला हैरान रह गए। उसने तुरंत अपना बर्तन तेल से भर लिया और अपने घर चली गई। कहा जाता है कि महिला तो खुश होकर वहाँ से घर चली गई, लेकिन हाजी अली को कोई बात परेशान किए जा रही थी। उन्हें रातों में बुरे सपने आने लगे। अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने जमीन से तेल निकालकर धरती को जख्मी कर दिया। बस तभी से मायूस रहने लगे और बीमार भी पड़ गए। कुछ समय बाद वह अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई व्यापार करने आ गए। मुंबई में वो उस जगह पहुंच गए जहां आज हाजी अली दरगाह है। कुछ समय रहने के बाद हाजी अली का भाई वापस उज्बेकिस्तान चला गया, लेकिन हाजी अली ने वहां रहकर धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। उम्र के एक पड़ाव के बाद उन्होंने मक्का की यात्रा पर जाने की सोची। उन्होंने मक्का जाने से पहले अपने जीवन की सारी कमाई गरीबों को दान कर दी। मक्का यात्रा के दौरान ही हाजी अली की मौत हो गई। कहा जाता है कि हाजी अली की आखिरी ख्वाहिश थी उन्हें दफनाया न जाए। उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि उनके पार्थिव शरीर को एक ताबूत में रखकर पानी में बहा दिया जाए। परिवार ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन चमत्कार हुआ वह ताबूत तैरता हुआ मुंबई आ गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने दिनों तक पानी में रहने के बाद भी ताबूत में एक बूंद पानी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना के बाद भी हाजी अली की याद में मुंबई में हाजी अली के दरगाह का निर्माण किया गया। कहते हैं कि समंदर के बीचों बीच होने के बाद भी दरगाह में लहरें जाने से कतराती है। दोस्तों, क्या कभी आपने कभी हाजी अली दरगाह गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।